हरियाणा के पूर्व मंत्री बोले, हुड्डा मेरी बुआ का छोरा बीरेन सिंह बीजेपी छोड़ कांग्रेस में गए। बोले, 52 साल से धंधे में अच्छा ज्योतिषी हूँ। हरियाणा के पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेन सिंह मंगलवार को दिल्ली में पत्नी प्रेमलता के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाया। वहीं साथ खड़े पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तालियां बजाईं। बीरेन सिंह की 10 साल बाद घर वापसी हुई है। उन्होंने बीते कल बीजेपी को अलविदा कहा था। उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह के करीब एक महीना पहले कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। बीरेन सिंह के संबोधन से पहले ही लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर वह नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि पहले मेरे को बोल लेने दो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। उन्होंने कहा कि आज यहाँ हरियाणा से ही नहीं, दिल्ली से भी हमारे कई साथी यहाँ आए हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में विपक्ष के नेता ही नहीं, वे 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। वे मेरी बुआ का छोरा है। बीरेन सिंह ने कहा कि 52 साल हो गए हैं मुझे इस धंधे में, मैं अच्छा ज्योतिषी बन सकता हूँ। मेरे हरियाणा के नेता एक दिन टाइम दे दो, मैं उस दिन 1.5 लाख इकट्ठा कर दूंगा, इनका बोरिया बिस्तर गोल कर दूंगा। बीरेन सिंह बोले, कांग्रेस जाने का मन बना तो जयराम से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे लिए कहती है परिवारवाद, अब बहन भाइयों को लेकर भी चलना परिवारवाद में आता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि भाजपा अपना एक भी बंदा नहीं बना पाई, कांग्रेस ने जो मुझे दिया वह कोई और नहीं दे सकता। आंदोलन के दौरान किसान मिलने आए थे। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि कुछ किसान भाई मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार से बात कराओ। किसानों ने कहा कि कम से कम वे बात तो करो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं, MSP की। उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने कहा कि कुछ और बताओ। मैंने कहा कि MSP नहीं हो सकती तो कम से कम एक बेंच मार्क तो बना दो। उन्होंने कहा कि इस सरकार में किसानों को कुछ नहीं मिला, गरीबों को कुछ नहीं मिला। इस इंसाफ के लिए हमारा जो घोषणा पत्र आया है उसके अंदर एक एक बिंदु को हमने देखा है। इस वास्तविकता से भाजपा कोसों दूर है। ये ग्लिसरीन लगाकर किसानों और गरीबों के लिए रोते हैं।